Jan Swaraj. Jan Swaraj means people, good governance. Jan Swaraj is emerging political large party in Bihar. There are many advantages and disadvantages in Jan Swaraj. We will talk about person to person of the volunteer. Some volunteers are reconnected to each other. We will be keep watching. And if you want to know about a special ground report of Jan Swaraj, please subscribe our channel and keep watching. We will update daily video from Jan Swaraj. हम भी सिवान जिले से ही हैं, हमारे भाई जहाँ से हैं। मैं भी इस कैंप में आप जैसे लोगों की तरह ही कुछ उम्मीदें और कुछ सोच कर ही आया था। और इस कैंप में जैसे मैं रह रहा हूँ, चाहे जो भी मेरी दिनचर्या रही है, मैं इससे बहुत बेहतर दिनचर्या और बहुत अच्छी तरीके से रह कर और उस जीवन को छोड़ के यहाँ आया था। तो जाहिर सी बात है कि मैं बहुत कुछ बड़ा अपने दिमाग में लेके चला था। और वही सपने, वही उम्मीदें होती हैं जो छोटी छोटी बातों में जो हम लोग उलझ जाते हैं, उसमें आप लोगों का भी देखा होगा मैं नहीं उलझता हूँ। तो लोग कई बार मुझसे ये भी प्रश्न पूछते रहते हैं कि शशि भैया आपको तो चीज़ों से मतलब ही नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो तकलीफें आपको होती हैं, तकलीफें मुझे नहीं होती हैं। अगर कहीं खाने में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो ऐसा नहीं है कि मुझे उस दिन नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखता है। कहीं अगर हम लोग अधिक समय तक काम करते हैं तो धूप हमें भी लगती होगी, हमने भी किया हुआ है। लेकिन बजाय कि उन चीज़ों में नहीं उलझता हूँ, उसका कारण यही रहा है कि दिल में कुछ बड़े अरमान लेके चले थे अपने घर से, और बिहार बदलने का वो अरमान था। कई लोग ये बात भी रखे हुए हैं जो है कि हम यहाँ पर कभी किसी के चेहरे को देख कर नहीं आए थे। इस कैंप में हमको आने के लिए आरा कैंप में मैं प्रभांशु जी से मिला हुआ था, वो बोले थे कि गोपालगंज में आप आइए। उसके बाद से प्रशांत जी ने सीधा मुझे निर्देश वहाँ दिया था आरा कैंप में ही कि आप गोपालगंज ही जाइए, आपके जिले के पास पड़ता है। तो मैं किसी के चेहरे, किसी की बात को सुनकर नहीं आया था। हाँ, उस व्यक्ति की एक बात जरूर सुनी थी, प्रशांत किशोर की, कि वो बिहार में कुछ जन सुराज जैसा लाना चाह रहे हैं। तो आज भी वो बात अटल है, और उसमें प्रशांत किशोर जी की ही एक लाइन है कि ये जन सुराज अकेला प्रशांत किशोर का नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये होगा संस्था प्रशांत किशोर जी की, इसमें देने वाला फंड, इसमें आने वाला रुपया पैसा सब उनके पास से आता होगा। लेकिन जिस जन सुराज की बात करते हैं कि बिहार में जनता का सुंदर राज आना चाहिए, वो अकेला प्रशांत किशोर का हो ही नहीं सकता है। और उसी के साथ ये कैंप भी जन सुराज नहीं है, हम में से कोई अकेला एक व्यक्ति भी वो जन सुराज नहीं है। ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हमारा सामूहिक प्रयास एक सही दिशा में ना हो। तो इस तरह का जो आज का निर्णय अगर ये ले लिया गया है, तो इसके पीछे बहुत से रीजन है। उसको किस तरह से ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है लोगों के पास कि हाँ, किसी को क्या निर्देश दिए गए, कोई नहीं लिया, कोई डिसिप्लिन में नहीं रहा, किसी का क्या कोई व्यक्तिगत मत दे रहा, तो उसको टैकल करने का और तरीका हो सकता था, मैं ये मानता हूं। क्योंकि यहाँ पर इन चीजों को अब इस स्तर पर देखा जाए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो हर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ दांव पर लगा के बैठा है, तो उस डिसीजन से उसका जो दांव पर लगा है वो एक क्षण में उम्मीदें टूट जाएंगी। तो मेरा भी यही मानना है, कैंप बचना चाहिए, जन सुराज बचना चाहिए, जन सुराज रहना चाहिए, और उसमें एक एक किरदार की अपनी भूमिका है। हम नहीं है जन सुराज, पर हमसे है तो जन सुराज। आज हम नहीं है कोई कहीं ना कहीं कैंप ही ठीक से नहीं चल रहा है जन सुराज के लिए, ना ऊपर से व्यवस्था अच्छा है। जब छोटी छोटी बातें होंगे, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े जो भी हो, जो लड़ाई झगड़े तो होते नहीं है कैंप में, जो भी छोटी छोटी बातें होते हैं उसको अगर ऊपर के लोग नहीं ठीक से हैंडल कर पाते हैं, टैकल नहीं कर पाते हैं, तो ये खास बात तो आगे चल के बिहार सुधारेंगे, खास आगे चल के बिहार को सही दिशा से निर्देश देंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजा हुसैन है, आप लोग जानते ही हैं, और मैं सुबह शाम दोनों टाइम कैंप में आता हूँ, या जब भी टाइम मिलता है मैं कैंप में आता रहता हूँ। जब से कैंप लगा है मैं आता रहता हूँ। मैं अभी गोपाल में था, जैसे ही मुझे पता चला चौबे जी के माध्यम से कैंप यहाँ से जा रहा, तो इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ। ना कोई खबर, ना कोई मैसेज, और एकदम से कैंप को ले जाना, ये हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। कई लोग मेरे से पूछे कि डॉक्टर साहब बड़ा तेजी में जा रहे हैं, बोले भाई कुछ मेडिकल हो गया, हम आ रहे हैं वहाँ से। तो हम तो इसमें बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं। एक पुराना कहावत है कि अगर एक बोरा आलू हो, अगर उसमें से एक वो आलू सड़ जाए तो पूरा आलू हम लोग नहीं फेंक सकते हैं, एक वो आलू को निकाल के बाहर रख दिया जाता है। तो अगर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीजें होती हैं जो संगठन को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ गलत भी हो गया। जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ पर्सनल है, मुझे करना नहीं करता, मतलब आदेश आ गए कि भाई आपको अपने मंडल में जाना। लेकिन उससे पहले का जब आप कैंप को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आदमी के दिल में दुख होता है, मेरे को क्यों कर दिया। मतलब दो साथी थे, दो साथियों में जो योगदान भीम जी का था, कहीं ना कहीं वो योगदान मेरा भी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो मैं सिर्फ इस
चीज के लिए बता रहा हूँ कि कुछ चीजें जो मेरे मर्जी के खिलाफ, लेकिन ओवरऑल चीजों के पर्सपेक्टिव में उस चीज को मैं दबा के दिल में रख लेता हूँ और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए मैं उस तरफ की रुख कर लेता हूँ। जैसे अभी सावन का महीना है, ठीक है, लहसुन प्याज सबका डिसीजन था बंद कर दिया। मैं चाहता, मैं आवाज उठा देता कि नहीं मेरे को लहसुन प्याज खाना ही खाना है, तो आप यकीन मानिए प्रशांत जी की तरफ से निर्देश आता कि या तो मेरे को होटल प्रोवाइड किया जाए या मेरे को खाने का व्यवस्था किया जाए। ये संगठन का जो मूलभूत, जैसे आप में से कोई वर्क करता है तो उसके लिए बाहर से खाने का प्रबंध किया जाता है ना, कि भाई इनके लिए केला आ जाए चाहे इनके लिए आ जाए, तो मेरे साथ भी था। लेकिन मैंने कहा कि यार मैं बिहार को बदलने आया, तो ये छोटी सी चीज़ें इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि जो मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। भले वो अलग बात है कि मैंने आज तक बचपन से लेकर अभी तक कभी बगैर लहसुन प्याज का खाना नहीं खाया। तो कुछ चीजें क्या है कि जो हमारे पेपर में नहीं होती है, लेकिन संगठन को संगठित करने के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। सीसी को देख क्या है, जोनल हेड को, यहाँ पे आप लोग किसको देख क्या है, प्रशांत जी को देख क्या है। तो कम से कम मेरा मानना है कि आप सभी की बात उन तक भी पहुंचे कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं और आप लोग का क्या मत है और क्यों चीजें डिस्टर्ब हुई, मैं उस पर भी आप लोग का राय जानना चाहूंगा। जो डिसीजन लिया जा रहा है सोच समझ के डिसीजन लिया जाए। प्रशांत जी गोपालगंज में आके 3 महीने से ज्यादा से हम सर्विस दे रहे हैं और छोटे छोटे समस्या तो आते जाते रहते हैं। एक छोटा सा समस्या के लिए इतना बड़ा डिसीजन ले लेना प्रशांत किशोर जी के लिए सही नहीं है। ऐसे ऐसे समस्या है तो हम प्रतिदिन सभी भाई बहनी लोग झेलते हैं ग्रामीणों से, और प्रशांत जी का इतना बड़ा डिसीजन हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग सभी आदमी कुछ अपना अपना अरमान लेके आए हैं घर से कि हम बिहार बदलने में जा रहे हैं। बहुत लोग कहें कि इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर भी हम फायदा घाटा सोच के नहीं, अपना एक लक्ष्य लेके आए हैं कि हमारे वजह से 1, 2, 4, 5, 10 नहीं लाखों लोगों को भला हो जाए, इस अभियान पे हम काम करते हैं। हम लोग गोपालगंज में काफ़ी मेहनत किए हैं, धूप गर्मी बरसात में भीज भीज के लोगों को जोश को जगाया है कि भाई ये बिहार का अभियान है, आप लोग भी जागिए। और हम ही लोगों के साथ ऐसा हो रहा है बिना बताए, तो ये तो अच्छा नहीं है। खैर, इनका सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, जो उनका डिसीजन है वो सही है, मगर ये जो डिसीजन हुआ गोपालगंज के लिए अचानक कैंप बंद कर देना, इतना एक जगह इतने लोग हैं तो थोड़ा सा होगी लोग जो हर बात पे मतलब बहस करना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उसका समर्थन हम लोग खड़ा होना चाहिए। अभी एक छोटा सा हम कैंप मैनेज नहीं कर पाएंगे, अगर पूरा हमको बिहार को मैनेज करना है तो ये कैसे पॉसिबल है? हमको तो नहीं लग रहा कि इस तरह का डिसीजन लिया जाना चाहिए। जो गलत हो है, जो सही है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। कैंप हमारे यहाँ भी गया था, यहाँ पे कुछ मॉडरेशन वहाँ पे भी ये लोगों ने किया था। कौन किया था? तो आपस के ही अपने बच्चे नहीं किए थे, अपने इंचार्ज लोग किए थे। कोई इंचार्ज इसके ऊपर उंगली दिखाता है, कोई इंचार्ज उसके ऊपर उंगली दिखाता है, कहीं कहीं दिखाता है, लेकिन हम जब गाँव में जाते हैं तो हम एकजुट होकर के सब करते हैं, लेकिन इंचार्ज लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये बच्चे कैसा काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बच्चे लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। यहाँ तो हुकुमशाही चल रहा है, ये आपका भीम जी एक जो है हुकुमशाही चलाते हैं, नहीं तुमको 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करना है तो करना ही है, ये सब नहीं चलना चाहिए था। जो कि जिसका नतीजा वो भी क्लियर थे, अच्छे अच्छे काम करने वाले उनको हटा करके एक अकेला हुकुमशाही चला रहे हैं। ये हुकुमशाही यहाँ ये बच्चों में नहीं चलेगा, है ना? और एक और दो आदमी जो कचरा रहता है उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है, ये अच्छा नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा? ये पूरे जवाहर में फैल जाएगा कि जन सुराज वाले जो है सब गद्दार हैं और झूठे हैं। मेरा नाम रंजन कुमार, हम बेतिया के रहने वाले हैं, हम चंडीगढ़ से बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। हम अपने कुछ समस्याओं को लेकर, अपने सपने को लेकर हम बिहार में आए थे और जन सुराज में शामिल हुए थे। ऐसा कि पहले भी कभी नहीं हुआ था, लेकिन हम पिछले 1 मंथ से हैं यहाँ पे, लेकिन
और यहाँ पे जितने भी हमें बताएंगे यहाँ पे जितने भी सब कोई अपने अपने सपने को लेकर आए, सब कोई अपने सपने को लेकर आया, लेकिन एक कहीं ना कहीं डिसीजन गलत है, प्रसाद जी का ये डिसीजन गलत है कि सब किसी को सपनों को चूर चूर किया जा रहा है, ठीक है ना, सब किसी को सपनों को बीच नाव में छोड़ा जा रहा है। जिन लोगों ने जो बात बताई मुझे लग रहा है वो ठीक ही कह रहे हैं, मैं अभी तक जहाँ सोच पा रहा हूँ कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई पास्ट में जो नहीं होनी चाहिए, और शाहिद भाई ने शुरुआत में जब अपनी बात रखी सबके सामने तो उसमें कुछ बातों को पहले ही उन्होंने बता दिया। कुछ गलती मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करना चाहता हूँ, ये कैंप यहाँ खुला इससे पहले 2 साल पहले जैसे बताया सुरेंद्र भाई ने, मैं हम लोग भी 2 साल से जब सुरेंद्र में पिछले 2 अक्टूबर 2022 से अपने क्षेत्र में हमारे श्याम सुंदर भाई अपने क्षेत्र से हैं, ये हो गए मेरे अपने एक भाई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ मिलकर हम लोग कैंपेन वहाँ पर कर रहे थे। इसके अलावा यूथ क्लब ओपनिंग साथ में सेरेमनी करना सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर करते थे, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, कारगिल दिवस हो गया, रक्षाबंधन हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, चाहे वो हिंदू की कोई परंपरा हो चाहे वो मुसलमान की कोई परंपरा हो, हर एक परंपरा में जन सुराज के माध्यम से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते थे। खैर यहाँ आने के बाद जब संगठन कोई चल रहा हो तो वहाँ हर तरह के लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, कुछ लोग थोड़े कम हिंदी में, कुछ लोग भोजपुरी में बात करते हैं क्योंकि हम लोग बिहार के हैं। इससे ये तय नहीं होता कि कोई आदमी कम हिंदी बोल रहा है तो मतलब खराब आदमी है या बुरा आदमी है, कोई ज़्यादा हिंदी बोल रहा है खूब पढ़ाई लिखाई किया है तो एकदम होशियार है, वो कोई गलती कर ही नहीं सकता है, ये तय करना मुझे लगता है कि मतलब एक ठीक बात नहीं है। तय इससे होना चाहिए कि सही तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए, यहाँ पे जो भी निर्णयकर्ता लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, हम सबकी बात वहाँ पहुँचनी चाहिए, फिर वहाँ से कोई कम्युनिकेशन हमारे पास आए, कोई निर्देश आए। शुरू से कैंप लाल काला में चालू हुआ, वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ कैंप के चालू होने के एक रोज पहले, तो वहाँ 5 कमेटी जो थी, 4 कमेटी थी, उसमें से एक एक करके सभी लोग चले गए, वहाँ भी रखा गया, वहाँ भी मेरा वीडियो भी गया है, पटना में गवाही बनकर गया है, वो एक के चलते सभी को धोखा नहीं दिया जा सकता, सभी के विचार से ही सहमति पूर्वक चलना चाहिए। जैसे मेरा नाम सहदेव कुमार प्रसाद है, मैं सारण जिला से रहने वाला हूँ, मैं यहाँ करीबन 3 महीने से ऊपर हो गया है इसमें जन सुराज में जुड़े हुए, मैं आरा में भी 21 दिन का ट्रेनिंग करके वहाँ से भी आया था, और अपना यहाँ गोपालगंज में ये कैंप लगी है जहाँ पे भी मैं जीव जान से अपने ये सब भाई जन सुराज के लिए काम कर रहे हैं, और हमें बहुत तकलीफ हुआ है, हमें नहीं ये जितने भी हमारे वाहिनी और जन सुराज के मेंबर लोग हैं सभी लोग इन बातों से तकलीफ हो रहे हैं कि भाई हम लोग इतने जोश और एनर्जी से साथ काम कर रहे हैं और गांव-गांव डोर टू डोर कर रहे हैं, सभी लोग एक सही सोच और सामूहिक प्रयास लेकर सही लोग के लिए जा रहे हैं डोर टू डोर करने के लिए, और आज एक बैग ऐसे मतलब सामने से आ रहा है कि आप लोग को घर जाना है, तो हमें भी इस बातों से बहुत तकलीफ हुआ कि कहीं ना कहीं अपने लिए नहीं लेकिन हम लोग गाँव का अपने अपने राज के सुधारने के चक्कर में और आए हुए थे बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ, और एक बैग इस तरीके के सूचना मिलने से मुझे बहुत आभास जताना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं ये कैंप को यहाँ दो कंसर्न थे जो जन सुराज के मेन कंसर्न, उसमें एक कंसर्न आया है कि भाई लोग जो है डिसीजन को फॉलो नहीं कर, मतलब अगर कोई निर्देश आया है तो उस निर्देश का पालन नहीं हो, ठीक है, एक मेन इशू है सबको पता है आप लोगों को, और जिसके नतीजन बातें हुई कुछ मीटिंग हुई शाम में लोगों के बीच में, फिर अगले दिन D2D नहीं हुआ, वो दूसरा कंसर्न कि अगर कोई बात हुआ तो फिर D2D क्यों नहीं, तो मैं चाहूँगा कि जो साथी हैं यहाँ पे कि मतलब उसका भी आंसर दे कि मैं बता पाऊँ या जान पाऊँ, क्योंकि मैं इस रोल में नहीं था कि मैं चीज़ों को हाथ से, क्योंकि मुझे मना किया गया था कि आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, तो मेरे लिए वो निर्देश था तो मैं उस निर्देश का पालन कर रहा हूँ, लेकिन चाहे ये चाहे वो सब लोग किस लिए आए हैं कि बिहार को बदलने के लिए आए, और बिहार बदलते बदलते ऐसा ना हो कि हम लोग खुद अपने आप को बदल के यहाँ से चले जाए कि भैया हम जन सुराज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे या जन सुराज हमें आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, नॉन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आप जॉब पे नहीं है, कोई आर्मी ट्रेनिंग में नहीं है, कि हर चीज नियम के अनुसार एकदम एग्जैक्टली हो। यहाँ तक बात हुई हमारे DHQ में नाम है, इधर फोन आई ऊपर से हम बोल देने की ना जाए, हमारा अभी बिहार पुलिस की एग्जाम बाद झारखंड की एग्जाम बाय UP पुलिस की एग्जाम बाद हमको बोले कि अभी 2-3 मंथ
हमको टाइम लगेगा, उसके बाद मेरा नाम आएगा तो मैं एचक्यू में जाऊंगा। अभी मेरा प्रॉब्लम है, यहाँ वहाँ से कंसल्ट हो गया कि ठीक है आप वाणी में लिख दीजिएगा कि नहीं जाइएगा। मैं बोला आप ही लिख दीजिएगा, तो वहाँ से अमित राय जो है वो लिख दिए कि ठीक है, अब रोहित जी प्रदीप जी मना कर रहे हैं कि नहीं आने, अपना वो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। यहाँ से फिर भीम भैया से आके हम बोले भीम भैया ऐसे ऐसे बात है, कोई मीटिंग में बात हुआ तो बोले क्यों नहीं जाएगा, तो वही प्रॉब्लम जो था वही बताया हम लोग, तो बताए तो बोल रहे ब्रिगेडियर जी कि एक महीने के लिए लीव लेना पड़ेगा अगर नहीं जाओगे तो। हम लोग बोले कि ठीक है एक महीने के लीव ले लेंगे, उसके बाद फिर आना पड़ेगा ना, तो वो बोल रहे कि नहीं एक महीने के लीव लेने के बाद यहाँ नहीं आना पड़ेगा, एचक्यू में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद तो हम लोग बोले कि ठीक है, तो ऐसा है तो हम लोग जनसुराज छोड़ रहे हैं। तो बोले कि ये तो आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं छोड़ने के लिए हम लोग को। हम लोग जो चार महीना से तीन महीना से अपना खून पसीना धूप में जलाए हैं उसका क्या हुआ। यहाँ तो जनसुराज जो बोल रहा है कि आप कहीं से भी काम कर लीजिए, आप घर से काम कीजिए या कैंप से काम कीजिए, कहीं से काम कीजिए, आपको जोर जबरदस्ती नहीं, यहाँ तो जबरदस्ती हो रही है। तो इसे बोल रहा है ब्रिगेडियर साहब जी, बोल रहा है कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। फिर हम लोग बात बोले कि ठीक है तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, जब इलेक्शन पास में आ जाएगी तब हम लोग जाएंगे। ब्रिगेड साहब बोले जाना होगा तो अभी जाना होगा, और नहीं तो आप जो बुझाए अपना करो। हम लोग बोले कि ठीक है, उसके बाद ईस्ट होकर पा के भाग गए। यही बात है भाई, कैंप पंचायत भागने लगे, कहा भाई बात नहीं करे, कहीं ना कहीं गलत है, तो अब लगे ब्रिगेडियर साहब के पीछे पीछे घूमने। मेरा वाहनी में नाम डाल दीजिए, तो बोले कि तीन महीने के बाद नाम डलाएगा। तो एक महीना बाद फिर हम काम किए, तो फिर बोल रहे हैं कब को जाना पड़ेगा स्कूल में, आपका नाम मेरा है। हम बोले कि तीन महीना बाद वाहनी में नाम डलाएगा तो स्कूल में क्यों जाएंगे, तो बोले बोल रहे कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, ये जो जनसुरा सुख आप जाइए। आप लोगों का स्कैम से कुछ नहीं है, आपके अटेंडेंस से लेके खाना से लेके सोना तक के लाभ नहीं है स्कैम। आप इतने दिन दिए उससे कोई नहीं है, आपको खाना सोने और रहने का स्कैम में नहीं, आपका जो भी आप एचक्यू में है यहाँ से आपका कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा थोड़ी हो सकता है, मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है हम नहीं जा सकते तो कोई दूसरा भी जा सकता है, तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डिसिप्लिन जो हो गया वो हो गया, जो फाइनल वही है। हम लोग जब जुड़े थे लोग, हम लोग को हुआ था कि आप 21 दिन काम करेंगे तो 5000 रुपये मिलेंगे, फिर अगला 21 दिन काम करेंगे तो 7500 रुपये, फिर अगला 21 दिन काम करेंगे तो 10000। ये उसके बाद क्या हुआ, ये बैग जब सुराज ये स्टेप आगे लिया और पीछे ले लिया अपने आप को, बोला कि नहीं 5000 रुपये मिलेंगे सबको, ये डिसिप्लिन तो पहले पालन नहीं हुआ। उसके बाद फिर कुछ दिन, अभी एक महीना दो महीना हुआ था, तो कोई एचक्यू से आया, ठीक है, आके वो बच्चे सबको भड़काने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, बोले क्या कि जिनका जिनका तीन महीना हो जाएगा उनको 7500 रुपये मिले। क्या विष्णु जी आए, वो जो भी आए थे वो बोल दिए कि 7500 रुपये सबको मिलेगा, जिसका तीन महीना हो जाएगा उसको 7500 रुपये मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, तीन महीना हो गया किसी को 7500 रुपये, ये बात ब्रिगेडियर सबको मालूम हुआ, वो बोले कि नहीं 5000 रुपये मिलेगा। तो ये बात बताइए कि आप लोग अंधे में रख रहे हैं सब बच्चे को, जीवन को आप 5000 बोल के दे रहे हैं और बच्चे को बुला रहे हैं कि 7500 रुपये मिलेंगे, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। तो जब आप लोग डिसिप्लिन पालन नहीं कर रहे, हम लोग को जो दिक्कत है हम लोग बताए लोग की प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग एचक्यू नहीं जाना चाहते हैं, ये कोई इसमें समर्थन नहीं है इस पे देखा जाए। अजय बाबा चाहे गिरी जी हुए, ठीक है, कहीं ना कहीं तो उन लोग को रेस्ट पे रखा, चाहे वो उसमें ये नहीं पूछा गया कि आपकी गलती। Thank you.
महात्मा जी अंदर के भीड़ में खड़े होकर बोल रहे हो समस्या की आप वाह वाह ये जनसुराज का कैंपस है। यहाँ पे गाड़ी भी है और वॉशिंग मशीन भी है वहाँ पे सब, और डिजिटल टॉयलेट वाशरूम है आप सब देख सकते हैं। तो चलिए आपको हम कैंप दिखाते हैं। कैंप में कोई मतलब फॉल्ट नहीं, कैंप एकदम A1 का फैसिलिटी कैंप है, समझ रहे हैं। यहाँ पर बैठने के लिए भी व्यवस्था है प्रॉपर। वहाँ पे हम लोग मीटिंग जो करते हैं, जनसुराज का जो वॉलंटियर देख रहे हैं ना आप लोग बैठे हैं, और कुछ मार्केट गए हैं और कुछ फील्ड में भी गए हैं। तो मैं चलिए कैंप आपको दिखाते हैं और कैंप में क्या क्या है जो फैसिलिटी आपको दिखा रहे हैं। चलिए ये कैंप है, वहाँ पे कैंटीन है जहाँ पे रसोई है, जहाँ पे किचन है, जहाँ पे खाना बनता है। और ये है इसमें अभी ये लोग बाहर गए हुए हैं, इसमें एक देख रहे हैं आप लोग, उसमें कूलर भी है और पंखा भी है, समझ रहे हैं ना। तो अभी ये लोग बाहर गए हुए हैं जिसमें है हम दिखा रहे हैं। इसमें भी कुछ है, एक कूलर है, एक पंखा है, देख रह सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं आप लोग एक ये किचन कैंपस है। गाड़ी कर लीजिए, कल गाड़ी भी जाएगा, कैंप जाने वाला है सब। ये लड़का है सब नहा रहा है, कल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जनसुराज में काफ़ी सारा फिर वहाँ वॉशिंग मशीन भी है और पीछे वहाँ पर मॉडर्न वाला टॉयलेट है, समझ रहे ना, नहाने धोने की पूरा व्यवस्था है। तो ये जनसुराज की गाड़ी है आप देख सकते। भैया सफाई कर रहे हैं क्योंकि सफाई से ही मतलब अच्छा रहता है थोड़ा, तो भैया से खुद सफाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। क्या भैया, नहीं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ के मतलब कैंपस का। हाँ ये देख रहे हैं खुद सफाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि समझ रहे हैं ना, मतलब सफाई सेल्फ करना है मतलब बहुत ज़रूरी है। ऐसे मतलब इनका ये पर्सनल टीम बटा हुआ है, तो ये अपने टीम के लिए मतलब एकदम हाइजीन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये अपना खुद ही लो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को साफ़ रहना है। और बाकी इधर भी है जो कैंपस, इनका मतलब साफ़ है कि पता नहीं पहले कर चुके हैं, देख रहे हैं ना। सबका कैंप मतलब टीम का अलग अलग है भाई, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो चलिए हम चालू करके देखते हैं फॉसिट, पानी आ रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। वाशरूम भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, कितना नीट एंड क्लीन है भाई यहाँ का वाशरूम, देख रहे हैं ना आप लोग भाई। मॉडर्न सब वाशरूम है, कितना नीट एंड क्लीन है, देख रहे हैं ना। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, तो ये है जनसुराज का कैंपस।